फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के बाद सीएम योगी यानी कि मुख्यमंत्री योगी की अब फीस माफी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी की फीस माफी योजना क्या है, पूरी अपडेट ऑफिशियल नोटिस और उसमें खास करके AKTU छात्रों के लिए एक ऑफिशियल सर्कुलर आया। उसके अलावा पूरे यूपी में जितने भी कुछ छात्रों की सीएम योगी ने फीस माफ़ किए, तो कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनकी फीस माफ़ होगी, एक रुपया भी नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, AKTU में भी कुछ छात्रों की फ़ीस माफ़ होगी। कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनकी फ़ीस माफ़ होगी, क्या ऑफिशियल नोटिस, क्या सीएम योगी की फ़ीस माफ़ी योजना, इस वीडियो में बात करें। क्योंकि आपको पता है फ्री टैबलेट की नोटिस निकली है और आपको फ्री टैबलेट जल्द ही मिलने वाला है। लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट की अब सभी छात्रों के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि उनकी फीस होगी माफ। क्या पूरी अपडेट हम चाहते हैं दोस्तों, जो हमारे व्यूअर, पहले मैं आपको नोटिस की तरफ ले चलता हूँ, उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल सर्कुलर है दोस्तों। हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उनको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ, अगर यूपी गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसी अपडेट आती है जो सीएम की तरफ से हो या फिर किसी भी तरफ से हो, मुख्यमंत्री की तरफ से हो, प्रधानमंत्री की तरफ से हो, या फिर हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स का किसी भी तरीके से फ़ायदा हो, तो हम उसके लिए इस तरह की अपडेट लाते रहते हैं। क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम भी यही सोचेंगे कि आपका भी बेनिफिट हो, क्योंकि आपके दोस्तों से, आपके दोस्तों आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से ही जो कुछ है हम हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपके लिए वही काम करूं जो आपके लिए बेनिफिट हो, चाहे आपको नोटिस के माध्यम से, चाहे आपको नोट्स के माध्यम से, चाहे इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। अब है ये हमारी अपडेट कि ऐसे सभी छात्रों की यूपी गवर्नमेंट फ़ीस करेगी माफ़। देखिए यहाँ पे, अब देखिए मैं आपको जो नोटिस बताऊंगा, इसमें AKTU का नोटिस है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप AKTU ही में पढ़ाई करते हो, आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, कोई भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी आपका प्राइवेट कॉलेज हो, आपका एडेड हो, आपका अर्ध सरकारी हो, सेमी गवर्नमेंट, कोई भी कॉलेज हो, अगर आपकी फ़ीस लगती है तो अब आपकी कुछ छात्रों की ऐसी है जो फ़ीस नहीं लगेगी। तो आपको आपको इस बात का इंतज़ार होगा कि ऐसी कौन सी स्कीम है, किन किन छात्रों की फ़ीस नहीं लगेगी। पहले मैं आपको इसका सर्कुलर पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि कितने किन किन छात्रों की फ़ीस माफ़। देखिए यहाँ पे सर्कुलर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, पहले बता दूँ ये सिर्फ यूपी के लिए अभी है, तो अगर कोई और स्टेट के लिए आएगी तो मैं बताऊँगा, तो अभी यूपी के लिए। दिनांक 2 अक्टूबर को एक जो है मीटिंग हुई थी जनपद लखनऊ में, जो कि घोषणा किया गया था, इसका पत्र संख्या ये आप देख सकते हैं, घोषणा का अनुपालन किए जाने के संबंध में। अब देखिए इसमें क्या घोषणा हुई थी, क्या मीटिंग हुई थी, इसमें दिया गया, और इसमें खास करके AKTU की तरफ सर्कुलर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सभी यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी यूपी कॉलेज हैं, सभी के लिए। अब देखिए इसमें क्या मेंशन है कि उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है, क्या अवगत कराना है कि शासन की तरफ से जो है पत्र संख्या इतना इतना यहाँ पर दिया गया है, और दिनांक 11 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें क्या फैसला लिया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, इसमें आपको बताया जाएगा। निम्न घोषणा की गई थी, यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा, ये देखिए यहाँ से नीचे मेंशन, यहाँ पे एक फॉर्म भी मेंशन है, तो आपको मैं बताता हूँ, पहले आप इसको देखिए। इसमें दिया कि यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी भी परिवार की एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा, अब देखिए अब इसका मतलब आपको जीवन यापन आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा इनकम सर्टिफिकेट आपकी 2.5 लाख है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो आप समझ सकते हैं जीवन यापन के नीचे जो भी गरीब, ऐसे आपको पता है कि जितने भी यूपी में जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर बात करें तो 60-70% वो गरीब ही हैं, यानी मिडिल क्लास के ही लोग आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें उन्हीं के लिए स्कीम है कि परिवार के ऐसे लोग जो जीवन यापन, जो आय सीमा से, जो निर्धारित आय सीमा से जीवन या नीचे जीवन यापन अपना गुजार रहे हैं, उनके लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी बच्चियां एक से अधिक है, यानी अगर आप जो है किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, किसी भी आप जो है स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और आपकी बहन है, सॉरी ये केवल जो है फीमेल के लिए, यानी छात्राओं के लिए, यानी अगर बात करें आपकी बहन, यानी अगर किसी भी कॉलेज में एक से अधिक जिसकी लड़की, जिसकी जो है बहनें पढ़ रही हैं, या फिर आप समझ सकते हैं जिसकी बेटियां एक से अधिक पढ़ रही हैं, फीमेल के लिए बात हो रही है, यानी ऐसे स्टूडेंट जो फीमेल हैं और उनकी सिस्टर एक से अधिक हैं, 2 है 3 है 4 हैं, तो उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। अब आप इसको समझ, पहले मैं नोटिस पढ़ के बताता हूँ, तब मैं आपको समझा दूंगा अपनी लैंग्वेज में। इसमें यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की किसी भी एक से अधिक बच्चियाँ किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थान में अध्ययन कर रही, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस, दूसरी तीसरी जो भी हो, दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस या तो संस्था को प्रोत्साहन करके माफ़ कराई जाएगी, या फिर उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट खुद करेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के उक्त घोषणा के अनुपालन में कार्य योजना तैयार की गई है, तो अपने संस्थान में एक से अधिक अध्ययनरत बच्चों के संबंध में निम्न प्रारूप जो है, जो निम्न फॉर्म है, इसको तैयार किया जाना है, जो कि यूपी गवर्नमेंट को
भेजना है कॉलेजों को या फिर इंस्टीट्यूशन को या फिर जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह है। इसमें क्या मेंशन है, देखिए कि यहाँ पे संस्था का नाम यहाँ पे रहेगा, पहले आपका नाम और कोड रहेगा, और एक से अधिक यानी एक से अधिक अध्ययन बच्चियों का नाम और उनका पूरा पता, माता पिता का नाम रहेगा यहाँ पे, पाठ्यक्रम यानी कौन सी आपका पाठ्यक्रम है, कौन सी आपका ब्रांच है, कौन सा आपका कोर्स, सब कुछ यहाँ पे, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर रहेगा। यानी देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यानी जो जो गर्ल्स हैं, अगर उनकी सिस्टर पढ़ रही हैं उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में जो भी हो स्ट्रीम में, तो यहाँ पे पहले उनका यहाँ पे उस कॉलेज का नाम रहेगा, यहाँ पे कोड रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे उनका कोड डाल दीजिए, और कोड डालने के बाद यहाँ पे आपका एक से अधिक जितने भी बच्चे आपकी बहनें हैं, एक दो तीन चार यहाँ डालना है, बहनें या बेटी जो भी आप समझिए, और पाठ्यक्रम आपकी ब्रांच कोर्स क्या है और ब्रांच क्या है, और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर भी रहेगा साथ में, और यहाँ पे आधार नंबर रहेगा उनका, यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे मेंशन है कि जी हाँ याद कर लीजिए 8400 400 400 डॉबनेट का व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने आप व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, वो भी विद इन 5 सेकंड में। तो आपको अपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट सेव करना है, व्हाट्सएप पे आना है, फ़ोटो लेना है, उसके बाद वो डॉपलेट को आप जो है स्क्रीन शॉट उसके शेयर कर दीजिए, आपको तुरंत विद इन 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आप क्लास 10th हो, IIT JEE हो, 12th हो, मेंस, एडवांस, नीट्स, CBSE बोर्ड, UP, CBSE बिहार, कोई भी आपका बोर्ड हो, आपको विद इन 5 सेकंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ मेंशन है, क्या मेंशन करना है, मेंशन है कि सूचित करना है कि जो भी स्कीम, क्योंकि आपको पता, अगर हमारे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइबर, तो आपको पहले मैंने ये नोटिस एक बार कि वीडियो में बना चुका हूँ, तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। तो इसमें 12 नवंबर को जो है एक बार जो है सचेत किया गया था, तो इसलिए इसमें दिया गया कि इस सूचना को शीघ्र ही उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है, जिसमें 2 दिन का अभी तक, देखिए इसमें मेंशन है कि अभी तक कतिपय संस्थाओं द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है, और संबंधित प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित है, और प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शासन की अपेक्षा अनुसार संबंधित सूचना 2 कार्य दिवस यानी 2 दिन का समय दिया गया है, 2 कार्य दिवस का समय दिया गया है। विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी कहाँ भेजना है, ईमेल आईडी registrar@ktu.ac.in पर, रजिस्ट्रार आप ईमेल आईडी जोड़ सकते हैं, कॉलेज वालों को, छात्रों जितने भी छात्र हैं उनकी एक से अधिक बहनें हैं उनकी डिटेल्स registrar@ktu.ac.in पर उपलब्ध करा देना है। कौन कौन सी डिटेल्स, यहाँ पे देखिए जो फॉर्म है इस फॉर्म को उनको भरना है, इन फॉर्म में जितनी भी डिटेल्स दी गई है इस फॉर्म को सारे डिटेल्स से जितने भी एक से अधिक छात्राएं हैं तो उनको उनकी डिटेल्स KTU को भेज देनी है, कब तक, 2 कार्य दिवस में। अब देखिए कि ये स्कीम केवल यूपी की नहीं है, ये स्कीम जो है पूरे सॉरी ये स्कीम केवल AKTU की नहीं, स्कीम पूरी यूपी के लिए, आप जितने भी यूपी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, यानी जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट है, गवर्नमेंट से प्राइवेट लेना देना नहीं है, आपकी एक जो बहनें पढ़ रही हैं, एक से अधिक बहनें किसी भी संस्थान में किसी भी कॉलेज में पढ़ रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपकी, अगर आपकी नहीं तो आपके रिलेशन में, आपके दोस्त में, आपके जानने वाले हैं तो उन तक ज़रूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि अगर आपको नहीं तो कम से कम आपके दोस्तों को, आपके रिलेशन में उनको बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों अगर आप चाहते कि यूपी गवर्नमेंट की या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम या फिर कोई भी स्कीम ऐसी आती है जो आपको बेनिफिट मिल सके, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक रिकमेंड करें दोस्तों, रिलेशन वगैरह को जरूर शेयर।